में श्री कृष्ण गौशाला जनकपुरी रोड पर फिजी देश के हाई कमिश्नर श्री चंद ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाकर अपनी आस्था प्रकट की। इस अवसर पर उन्होंने होली की मंगल कामना करते हुए कहा कि वह भारत से 40 साल पहले फिजी गए थे और वह फिजी में भारत की ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है और धरती को भी माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए आज वह अपनी धरती पर आकर गो माता की पूजा करके सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और फिजी देश के ऐतिहासिक संबंध है। कोरोना काल में भी भारत ने पूरे देश का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश पूरे विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है, जिस पर उन्हें गर्व है। इस मौके पर उन्होंने भारत और फिजी के संबंधों के बारे में भी कहा कि भविष्य में भी दोनों देश मिलकर विकास कार्य योजनाओं पर काम करेंगे। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता व समाज सेवी ब्रिज गुप्ता ने फूलों के बुके देकर श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचने पर फिजी के अम्बेसडर का जोरदार स्वागत किया। उनके साथ श्री कृष्ण गौशाला के प्रधान रमेश गुप्ता के अलावा गौशाला से जुड़े सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण गौशाला जनकपुरी रोड की। यहाँ पर फिजी के कुछ 142 वर्ष पहले लोग यहाँ पर आए हैं, छोड़ा था। आज आप करनाल के अंदर हैं, गौ माता की पूजा की है। जैसा कि आप समझते हैं कि गौओं को तो भारत में पूजा जाता है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर्वप्रथम होली के दिवस पर सभी भारतीय नागरिकों को, हमारे भाई बहनों को सादर प्रणाम और हैप्पी होली। आपने जैसे कहा कि 142 ईयर्स बाद हम यहाँ पर तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी आए हुए हैं, तो हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई आकर के। ये हमारे ननिहाल हैं, हमारे आजी आजा इसी प्रांत से गए थे। नानी नाना पंजाब से थे, आजी आजा यूपी से थे, मुजफ्फरनगर इलाके से। तो वो रिकनेक्शन हो रहा है और हम वहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, तो हमको जैसे लगता है कि हम घर ही वापस आ गए। तो ये बहुत खुशी की बात है। उससे और खुशी की बात यह है कि आज होली के दिन हमको एक कृष्ण गौशाला में आने का अवसर मिला करनाल में। मैं अजी के साथ, बहुत सारे दोस्त जो हम बनाए हैं कल उनके साथ, हमारे फैमिली मैडम माला प्रकाश जी है, हमारी बच्ची विशाखा प्रकाश जी है। तो गौशाला में आकर के गौ सेवा कर करके बहुत आनंद मिला। गौ हमारे पूर्वज हमको बताया है हमारी माता है, तो आज माता का सेवा हुआ। धरती हमारे पूर्वज बताए थे धरती माता है, गौ के द्वारा हमने धरती माता को भी आज सेवन दिया। और गौ माता और धरती माता के साथ साथ स्वयं हमारी माता जी का भी सेवन हुआ, दर्शन भी हुआ यहाँ पर। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये जो प्रथा हमारे पूर्वज लेकर फिजी में गए थे, वो रकम तौर से विभिन्न जगहों में भी आज भी दिखलाई जाती है। और बहुत खुशी हुई कि भारत के लोग इस सारे विश्वास को, रस्म रिवाज को लेकर के चले हैं। हम आपसे कहीं पीछे नहीं छूटे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दोनों देशों सरकारों का और जो लोगों की जनता है, उनकी जो संबंध रहेगी ये सारे संस्कारों द्वारा और अनेक जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं इस देश में, उसके द्वारा और स्ट्रॉन्ग होगा। सर, हिंदुस्तान और फिजी के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, किस तरह से देखते हैं भारत और फिजी के संबंधों को? जी, हमारा रिलेशनशिप तो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत लंबी है। जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो अभी कुछ सालों में और स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही है। अभी हम 18 तारीख को अपना क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट किए थे राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी ने बहुत ही क्लियर शब्द में कहा कि हमारी जो दोनों देशों का संबंध है बायलेटरल, वो आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग है और मजबूत होता जा रहा है। और आज जहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपना ग्लोबल डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बना के रखे हुई है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, तीसरी नंबर का इकोनॉमी है लगभग दुनिया में, और बहुत ज़ोरों से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है,
मुझे पूरा विश्वास है आगे भी जाएगी। और आज के दिन में कोविड काल में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुकी है, इसकी तरह अनेक जो है कदम और इम्प्रूवमेंट्स और ग्लोबल लीडरशिप भारत दिखाई है। तो उसके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है राष्ट्रपति जी से भी कि जो हमारे अनेक कॉमन ग्लोबल चैलेंजर्स हैं उसमें भारत सरकार फिजी सरकार के साथ में खड़ी हुई है, इससे सुंदर बात और कोई नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हाई कमिश्नर फिजी के श्री चंद्र प्रकाश, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक बार धन्यवाद बात करते हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इंडिया आकर गौशाला में आए हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है उसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। बहुत अच्छा लगा, अपना ऐसा लगा कि अपने ही घर पर आए हैं, तो बहुत खुशी हुई सभी से मिल के गौ सेवा करके। और हमारे सभ्यता संस्कृति जैसे ने हिस्से ने कहा कि हम लेकर गए थे, हमारे पूर्वज लेकर गए थे, तो उसी तरह तो बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू वेरी मच। मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? इट वाज अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, आई फेल्ट लाइक होम। सॉरी, एनीवेज, या थैंक यू, इट्स अमेजिंग, आई फेल्ट लाइक होम, स्पेशली ऑन द डे ऑफ होली व्हेन यू रियली लाइक वांट टू बी क्लोज टू होम, दिस इज द प्लेस टू कम टू। बिल्कुल, ये फिजी के यहाँ से आए थे और ये दो दिन से यहाँ आसपास के एरिया में अपने घूम रहे थे, तो कल यहाँ ये महाराज जी से मिले, जहाँ इन्होंने इच्छा जताई कि हम कुछ नया देखना चाहते, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ। आज यहाँ पर ये गौशाला में होली के उत्सव पर आए हैं। सर्वप्रथम मैं सभी करनालवासियों को आपके माध्यम से होली की बहुत बहुत बधाई देते हुए भगवान से कामना करती हूँ कि इस होली पर सबके गिले शिकवे मिट जाएं, सब खुश रहें और सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और जिस तरह से कमलेश प्रकाश जी ने बताया कि एक फिजी एक खूबसूरत सा आइलैंड है और उस आइलैंड से 142 साल बाद आना और आकर अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना, ये भारत के लिए गौरव की बात है कि इस तरह की संस्कृति का प्रचलन विश्व में सभी जगह है। और जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं वो चाहते हैं कि भारत में आकर एक बार जाकर वहाँ की सभ्यता का दर्शन करें। होली का विशेष पर्व है और इन सब पे आने पर मैं इनका आभार व्यक्त करते हुए स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि इस तरह अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, जब ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की बातें करेंगे तो हमारी संस्कृति का और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। आज यहाँ गौशाला के बाद इन्होंने कुरुक्षेत्र का भी गीता म्यूज़ियम को भी देखा, वहाँ के भी हमारे जगह जगह पर घूम कर इन्होंने अपनी मेमोरीज़ का कलेक्ट किया है और वो मेमोरीज़ ये कहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करेंगे और मुझे लगता है इससे हमारे संबंध और ज़्यादा मधुर होंगे। तो ये थी करनाल नगर की मेयर, आज यहाँ पर फिजी के एम्बेसडर भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर यहाँ गौशाला में सेवा करने के लिए पहुँचे हैं। होली के पावन पर्व पर उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनके साथ करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता और फिजी से आए अन्य उनके परिजन भी यहाँ समाचार एक्सप्रेस से विशेष तौर पर बातचीत की है। हम आपको बता दें कि फिजी से यहाँ पर भारतीय संस्कृति को देखने के लिए करनाल व कुरुक्षेत्र के एरिया में यहाँ पहुँचे थे और आज यहाँ श्री कृष्ण गौशाला जनकपुरी रोड पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने गौओं की सेवा की। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।